डॉक्टर साहब ना एजेंसी कोरिया सिर्फ खाना पीने का खा रहा है और कुछ नहीं। ये ऑटो कौन घूम रहे हैं अब्दुल्ला? हाँ जी, पहले हम गोल नहीं बनाते थे, आजकल ये दो रहे हैं असल में। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब अहबाब खैरियत से होंगे। आज हम जा रहे हैं भाई की साइड और आबिद भाई क्या खिलाएंगे जी? आबिद भाई क्या बात है, तो अभी हम जर्सी कढ़ाई खाने। ये देखें जी, आज काफ़ी ठंड है, बर्फ हुई पड़ी है, तकरीबन -7 -10 टेम्परेचर है। ये देखें, ओए माशाल्लाह से अभी सफाई कर रहे हैं, ये भी बिल्कुल हमारे जैसे हैं। तो अभी हम भी नमाज वगैरह पढ़ते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो जी ये साजिद भाई अभी चिकन धो रहे हैं, अभी बन रही है पिशावरी शिनवारी कढ़ाई। ये छोटे छोटे पीसेस करने के बाद ये ऑयल में डाले जा रहे हैं, और के साथ ये प्याज अभी डालेंगे या बाद में डालेंगे? ये प्याज नहीं डाल, ये दो रहे हैं असल में। पानी गर्म है। ये ऑटो कौन घूम रहे हैं आबिदुल्ला? ये देखें जी, चने आबिद भाई आटा गूंद रहे हैं, तो आटा भी गूंद रहे हैं, उसके बाद बाकी चीजें आपको साथ साथ दिखाते रहेंगे। ये बगैर गाड़ी के कैसा लगता है जी? बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा जी, ये पहले चिकन फ्राई होता है, फ्राई होने के बाद इसमें बाकी जो टमाटर मिर्चे शर्चे जो है ना वो बाद में डालेंगे। अच्छा जी, वैसे हमारा इरादा भी है कि मेरा, साजिद भाई का और आबिद भाई का, कि जब पाकिस्तान जाएंगे तो साथ में एक रेस्टोरेंट भी खोल लेंगे, क्योंकि ये जो कढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ इधर बनाते हैं ये उधर भी तो काम आएँगी, कोई प्रैक्टिकल यूज़ भी तो इस चीज़ का हो ना। क्या कहता? वैसे रेस्टोरेंट का नाम क्या रखेंगे जी? रिसर्च। हाँ जी, क्या जबरदस्त फ्राई हुए हैं जी, खुशबू तो अभी से आ रही है, लेकिन चलें अभी टमाटर मिर्चों शर्चों का इंतजार करेंगे, उसके बाद ही हम खाएंगे। आटे डाले जा रहे हैं, ये रहे थोड़ा इधर का साथ साथ ये पक रहा है, ये भी साथ साथ ये देखिए आबिद भाई रोटियां पका रहे हैं। अच्छा, नाम लेना जरूरी है। साजिद भाई की एक्सपर्टीज, आबिद भाई की एक्सपर्टीज, और हमारा काम है जो कि आप देख सकते हैं, और एक खाना। डॉक्टर साहिबान है ना, एजेंसी कोरिया सिर्फ खाना पीने का खा रहा है और कुछ नहीं। नहीं, इसमें मेरी साथ है ना, पहले हम गोल नहीं बनाते थे, आजकल गोल गोल बन। अभी इसके छिलके उतारे जा रहे हैं। कहाँ से आते हैं? शिनवारी मसाला जा रहा है, ये है जी काली मिर्च। वाओ, ये देखें जी हमारी कढ़ाई तैयार हो गई है शेफ साजिद भाई के साथ। टेस्ट तो चेक नहीं किया, वैसे रंग से तो ज़बरदस्त लग रही है। हमने तो ज़िंदगी में जो है ना बिस्मिल्लाह कढ़ाई खाई है, अब आज ये है अल्हम्दुलिल्लाह। एंड पे हमने दही भी डाला है ताकि ज़रा टेस्ट और दुबाला हो जाए। एक ही बात है ना, हमने बनानी थी चर्सी कढ़ाई, लेकिन अभी दही शेही भी डाला है, कुछ इधर उधर की चीज़ें भी डली हैं, तो अब पता नहीं क्या से क्या बन गया, अब ये टेस्ट के टाइम नहीं पता चलेगा। ये जी कढ़ाई तैयार हो गई है, तो जी ये देखें हमारी कढ़ाई बन चुकी है। आबिद भाई माशाल्लाह से एक्सपर्ट, और साजिद भाई माशाल्लाह से कढ़ाई में, अलबत्ता नमक थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका था और उसके लिए फिर हमने कुछ इधर उधर के हरबे भी इस्तेमाल किए। और हम जो हैं एक्सपर्ट है खाने में,
हाँ देखिए बशारत भाई भी काम कर रहे हैं माशाल्लाह से, पानी शानी लेकर आ जाते हैं। विद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ऐसी अच्छी कढ़ाई बना के दी, तो आइंदा भी हमें इसी तरह बुलाते रहें और हम इसी तरह आपकी मेहमान नवाजी कबूल करते रहेंगे और इसी तरह खाते रहेंगे, क्या कहते हैं आप? ऐसी बात है साहब, मैं आपके साथ हूँ। तो चलें मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।